कल देर शाम पूरा जिला प्रशासन यातायात की बिगड़ेल व्यवस्था को लेकर सक्रिय नजर आया, जिसको लेकर कटनी कलेक्टर प्रियंक मिश्रा से लेकर पुलिस कप्तान सुनील कुमार जैन ने पैदल भ्रमण कर यातायात को सुगम बनाने का जायजा लिया। तो वहीं दूसरी तरफ युवा पीढ़ी दारू के नशे की जद में आ रही है। इस विषय में अभी तक किसी ने नहीं सोचा। आपको बता दें कि कुछ माह पूर्व बरही का एक वीडियो जो एक बच्चे का दारू पे कुछ लड़के उसे उठा रहे थे, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसको लेकर प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने खबरें प्रकाशित भी की। उसके बाद उसे एडिटिंग कर बनाया गया वीडियो कहकर पल्ला झाड़ लिया गया। अब आबकारी की नई नीति के अनुसार दारू के ठेके अलग अलग दुकानों हुए, जिसको लेकर अब जगह जगह पर बेकारी भी खोली जा रही है, मगर जिला प्रशासन द्वारा उनके कार्य पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा, जिसकी वजह से पढ़ने लिखने की उम्र में बच्चे दारू पीने में परहेज नहीं कर रहे। आपको बता दें कि ऐसा ही एक मामला बस स्टैंड के पास देखने को मिला, जहां एक नाबालिग बच्चा जिसकी उम्र 14 वर्ष बताई जा रही है, दारू पीते हुए नजर आया। देखा जाए तो यह नाबालिग बच्चे की गलती नहीं है, हमारे सरकारी सिस्टम की है, जो कहीं ना कहीं राजस्व लेने के चक्कर में जगह जगह ठेकेदार द्वारा बेकारी खोलकर कच्ची और अंग्रेजी की दारू बेची जा रही है, जिससे हर एक युवा वर्ग से लेकर नाबालिग बच्चे भी इसे छूते नहीं है, जिसका नतीजा आज दिखने पर इस वायरल वीडियो से समझ आता है, जो कटनी के बस स्टैंड के पास एक नाबालिग बालक ने एक ही सांस में पूरा गिलास दारू का खाली कर दिया, वह भी बस स्टैंड के पब्लिक प्लेस में पीता देखा गया। इसमें सरकार को गंभीर होने की जरूरत है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वह पल दूर नहीं जब ऐसे ही बच्चे दारू पीते जगह जगह नजर आएंगे, तब प्रदेश में बैठी सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। कटनी से प्रवीण कुमार पारेशर की यह रिपोर्ट।